हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश भर में मनोहर को न्याय दिलाने की गुहार लगाई जा रही है। इसके लिए चंबा जिला के साथ साथ प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सबके बीच हिमाचल बीजेपी ने मृतक मनोहर के परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में प्रदर्शन के दौरान कहा कि इस राशि से मनोहर के घर परिवार को गुजर बसर करने में मदद मिल सकेगी। जयराम ठाकुर उस वक्त लोगों को एक समूह को संबोधित कर रहे थे जब उन्हें मृतक मनोहर के घर जाने से रोक दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा था कि कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा। जयराम ठाकुर ने मनोहर हत्याकांड को दिल दहला देने वाली घटना बताया। मृतक मनोहर को न्याय दिलाने के लिए हिमाचल बीजेपी आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन मनोहर को न्याय दिलाने और जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद जो है हिमाचल बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को आज ज्ञापन भी भेजने वाले हैं। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश भर में मनोहर को न्याय दिलाने की गुहार लगाई जा रही है। इसके लिए चंबा जिला के साथ साथ प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सबके बीच हिमाचल बीजेपी ने मृतक मनोहर के परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में प्रदर्शन के दौरान कहा कि इस राशि से मनोहर के घर परिवार को गुजर बसर करने में मदद मिल सकेगी। जयराम ठाकुर उस वक्त लोगों को एक समूह को संबोधित कर रहे थे जब उन्हें मृतक मनोहर के घर जाने से रोक दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा था कि कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा। जयराम ठाकुर ने मनोहर हत्याकांड को दिल दहला देने वाली घटना बताया। मृतक मनोहर को न्याय दिलाने के लिए हिमाचल बीजेपी आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन मनोहर को न्याय दिलाने और जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद जो है हिमाचल बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को आज ज्ञापन भी भेजने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।